पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को फंसाने की साजिश की जा रही है, पुलिस को राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। भाजपा से जुड़े एक भी नेता से पूछताछ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक सनम जांगड़े से पूछताछ क्यों नहीं हुई। पूर्व सीएम बघेल ने यह भी कहा कि विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। इस मामले में विधिक सलाह लेंगे और राजनीतिक कदम भी उठाएंगे। बता दें कि बलौदा बाजार रागजनी हिंसा मामले में नोटिस की तामीली नहीं करने पर बलौदा बाजार पुलिस ने सुबह कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया था। विधायक यादव पर बलौदा बाजार में हिंसा भड़काने का संगीन आरोप लगा है। बलौदा बाजार की घटना को लेकर आज विधायक साथी भाई देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जो भूमिका है, सरकार की भूमिका बेहद संदेहास्पद रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक भी नेता से न पूछताछ की गई है, न उसकी गिरफ्तारी यहां हुई। वीडियो विजुअल में जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देवेंद्र यादव न मंच में गए थे न वहां ज्यादा देर रुके, लेकिन उसे पुलिस बुलाई, उस बयान भी लिए और उसके घर में जाके अभी गिरफ्तार किए हैं। बहुत सारी धाराएं लगाए हैं। पुलिस से मैं यही कहना चाहता हूं कि ये दुर्भावनावश या दबाव में आकर, राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई उनको नहीं करना चाहिए। और वहां जितने फुटेज हैं, जितने मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया में, जिनका भी नाम आया है, स्पष्ट रूप से सनम जांगड़े जो शुरू से इसमें इन्वॉल्व थे, उससे पूछताछ नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के और भी जो नेता कार्यकर्ता थे उनसे पूछताछ नहीं हुई। और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी विशुद्ध रूप से राजनीतिक द्वेषवश की गई गिरफ्तारी है, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस मामले में विधिक सलाह भी लेंगे और आगे किस प्रकार से हो उसमें अध्यक्ष जी भी वहां गए हुए हैं भिलाई, और सबसे चर्चा करके फिर आगे राजनीतिक कदम भी उठाएंगे।